होते हुए नीतीश कुमार पर खुलेआम बोलते हैं, किसी तरह का आपको डर नहीं लगता? आखिर क्यों इतना खुलेआम आप बोलते हैं? सर, नीतीश कुमार के कोनो कोला में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है जी, सो बताइए ना। हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं, कोनो नीतीश कुमार के हमारा जन्म हुआ है? और नीतीश कुमार के रहम करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी है। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है, सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे, सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता कोई नेता है, ऐसे बताइए ना। सुना जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, कहीं अभी तो साहबुद्दीन की तरह लोग प्रेरित रहना चाहते इस बात नहीं? देखिए, साहबुद्दीन साहब का इसी का तो सजा मिल गया, अब हमको भी डर लगने लगा। मुंह से तो निकल गया, सत्य बात तो निकलता है, चिपाक दे बात स्पष्ट है, झूठ बात बनाया जाता है। सच बात हमारे मुंह से भी एक बार की बात निकल गया कि मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पिछले बार वो दो नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, इस बार तीन नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ही है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं न चुनाव जीते हैं, और तीन नंबर की पार्टी है फिर भी मुख्यमंत्री है, सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे माननीय पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का, और हम बोल दिए। बोलने के बाद हमको भी ये डर लग रहा है कि भाई ये सच तो हम भी बोल दिए, वो भी बोल दिए थे बात। हम बोले आपको कि हमारे नेता नहीं है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री दूसरा कोई थोड़ी हो सकता है। आपके महागठबंधन के तो नेता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी के हैं, हम लोग महागठबंधन के नेता है ना। देखिए, एनडीए बीजेपी ये सब अलग अलग पार्टी है, अभी कई अभी लोग पार्टी रोज बनता है, रोज बिछड़ता रहता है। हमको एनडीए नहीं, हम बीजेपी के नेता है, बीजेपी से एमएलसी है, और हमारा नेता बीजेपी का नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब बीजेपी के मंगल पांडे को भी आप नहीं छोड़ते हैं, सुशील मोदी को भी आप नहीं छोड़ते हैं? देखिए, आप लोग को और जनता को ऐसे ही जनप्रतिनिधि चाहिए, जनता की जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं चाहिए कि जो अपने सीनियर नेता का खाली गुणगान करे। अगर हमारा सीनियर कोई गलत कर रहा, हमारा बड़ा भाई अगर कुछ गलत किया और हम बीच में आकर एकदम सही बात अगर बोल दिए, तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, उसको बाबही मिलनी चाहिए कि हमारा भाई गलत कर रहा है, हम उसी की तरफ से बोलते रहेंगे। हम उसमें के नेता नहीं हुए, तो हमारी तो उसमें रीति होनी चाहिए ना। और साहबुद्दीन साहब की लोकप्रियता उसमें क्या मिला? उनको तो पब्लिक कितना लोकप्रियता दे रही थी जब भागलपुर से आए, और यहाँ के सिवान के नेताओं लोगों को लगा कि तो घड़ियालू आंसू लोग बहाना चालू कर दिया कि अब तो साहबुद्दीन साहब आ गए भागलपुर जेल से, उन लोगों का तो रोटी चलेगा नहीं सिवान में, उन लोग लगा हाला करने। साहबुद्दीन साहब जब तिहाड़ जेल चले गए तो सिवान में मर्डर रुक गया क्या? सिवान में हत्या नहीं हुआ क्या? साहबुद्दीन साहब के जाने के बाद हत्या हुआ ना, एक षडयंत्र रच करके उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग थे घड़ियाली आंसू उनके मरने के बाद बहाना चालू कर दिया। सरकार तो आपकी की थी तो? अरे सर देखिए, सरकार हमारी थी, घड़ियाली आंसू तो अभी जैसे यहाँ पर अनशन प्रदर्शन तो आप ही लोगों ने किए, मैंने आप लोग मतलब यहाँ के जो नेता लोग किए, चाहे हमारा दल हो चाहे किसी का दल हो। हम दल के नहीं, हम नेता की बात कर रहे हैं ना, हम पार्टी की बात तो नहीं की, हम तो पार्टी की बात अभी आपसे मतलब एक मिनट हम पार्टी की बात बोल रहे हैं। साहबुद्दीन एक हमारा ही दल बीजेपी या फिर ये जेडीयू की जो सरकार है इसमें क्राइम पूरा चरम पर है, किसी के बिल्कुल इसमें कहीं दूर है ही नहीं। सर देखिए, आप जो पार्टी हमारा दल का नाम लिए ना, हमारा ही दल बीजेपी ही, आडवाणी जी ने क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी ने बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे उनका, तो पार्टी की जहां बात आती है तो ये भी बात आप कह सकते हैं ना। दरअसल यहाँ के जो नेता 2-4-10 थे जिनको साहबुद्दीन साहब से डर लगता था, जो राजनीतिक डर था, घड़ियालू आंसू बहाते थे खाली, समझ गए, वो चाहते थे कि साहबुद्दीन साहब सिवान में नहीं रहे। अगर आज साहबुद्दीन साहब सिवान जेल में रहते तो उनकी स्थिति ये नहीं हुई रहती, ये आप जान जाइए। सिवान जेल से, सिवान जेल से उनको तिहाड़ भेजवाने में यहाँ के लोगों की हाथ है, ये आप जान जाइए। जो रोड पर प्रदर्शन करते थे उस टाइम कर रहे हैं नीतीश कुमार को जेल भेजवाने के लिए, कारण क्या है? क्या उनको जेल में? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जिस तरह घोटाला हुआ है दारू वाला, आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों प्रश्न हमलावर रहते हैं आप, हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। शराब कांड कोई खोलबे नहीं करता है, हम खोलेंगे, थोड़ा अभी है ना माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे, हमको थोड़ा बैठने दीजिए। उसके बाद हम 2009 में जो कांड हुआ है शराब का, उस लाइन में हम थे ना, शराब 2009 में टेंडर हुआ। देखिए यहाँ, देखिए सर, उस टाइम वही मुख्यमंत्री थे और 2012 में वही मुख्यमंत्री थे, और सारी पोल अभी खोल देंगे तो बात भी गड़ जाएगी ना। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भिजवाइएगा भाई, जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी आप जेल चले गए, तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं नेता होते हुए। देखिए, हम गंभीर नहीं, सत्य आरोप लगा रहे हैं। आपको अगर किसी राष्ट्रीय चैनल को लाना है लाइए,
हम दो चार वो तथ्य देते हैं, उसका इंक्वायरी निकवा लीजिए। उस बार का, उस टाइम का टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला हुआ था 2012 में, बात समझ गए? इसको लोग गंभीरता से नहीं लिया, सरकार इसको दबा दिया। नीतीश कुमार को तो रहता है ना, एक कान से निकाल लीजिए। अभी अभी पप्पू जी के साथ क्या हो रहा? पप्पू जी कितना बड़ा क्रिमिनल है उसको बताइए, जब जनता को आदमी सेवा कर रहे हैं और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। अब टूना पांडे इतना बोल रहा है, हो सकता है टूना पांडे के जवान दबाने के लिए कुछ कर दिया जाए। ये तो उसकी राजनीति है उनकी ना, लेकिन हम एक पोल खोलेंगे। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है राष्ट्रीय चैनल पर आ जाए, अपने प्रवक्ता को भेज दें, और हमारे वीआईपी से वीआईपी लेखा विभाग से सूखा विभाग जो आता है ना, जो इंक्वायरी करने वाला, हम खाली तथ्य बताते हैं, उस पर इंक्वायरी कर लिया जाए। अगर नीतीश कुमार दोषी नहीं हो जाए तो हम आजीवन उनका गुलाम बनकर रहेंगे। इतना कमी होने के बाद भी आप लोग क्यों मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार? हम लोग कहाँ बनाए भाई? अरे सर, तो हमारी पार्टी का, हमने वोट उनको दिया नहीं। अगर हम एमएलए रहते ना तो हम अकेले उनके विरोध में वोट देते, पहले हमको पार्टी भले निकाल देती। हमने नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री माना ही नहीं, अपने दल का नेता माना ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, हमको भी जरूरत पड़ेगा तो उनके पास जाएंगे ना, मजबूरी तो है, मुख्यमंत्री तो वही ना है, लेकिन नेता हमारा नहीं हो सकते हैं। बात स्पष्ट है सर। ठीक है।